अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, कैसे हो आप सब। आज जो है हमने फर्दर टॉपिक अपने कंटिन्यू चैप्टर का स्टार्ट करने हैं, विच इज़ स्टेप्स इन डेवलपिंग इफेक्टिव मार्केटिंग कम्युनिकेशन। इसमें हम ये देखेंगे कि वो कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हम एक इफेक्टिव मार्केटिंग कम्युनिकेशन चैनल जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, कौन से स्टेप्स हैं वो ये इन्होंने बताए हुए हैं कि नंबर वन पे आपने अपनी ऑडियंस को टारगेट करना है, नंबर टू है डिटरमाइन द कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद डिज़ाइन अ मैसेज, चूज़ द मीडिया जिसकी वजह से आप मैसेज जो है वो सेंड कर सकोगे, और लास्टली आपकी मैसेज सोर्स क्या होगी और आपने कलेक्ट करना है फीडबैक। ठीक है, अब आ जाते हैं फर्स्ट पॉइंट पे। नंबर वन है आइडेंटिफाइंग द टारगेट ऑडियंस। इसमें ये बात आएगी कि आपने अपनी ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना है कि आपके टारगेटेड कस्टमर्स हैं कौन से। अगर आप कोई एडवर्टाइजमेंट बना रहे हो या कोई मैसेज कन्वे करना चाह रहे हो तो वो बेसिकली किसको आप कन्वे करना चाह रहे हो आप ये आइडेंटिफाई करोगे। या तो आप अपने करंट यूज़र्स को या अपने करंट बायर्स को टारगेट करोगे या फिर अपने पोटेंशियल बायर को। इसका मतलब ये है कि जो फ्यूचर में जाके आपके कस्टमर्स बन सकते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे डिसीजन ये लेना होता है कि आपकी टारगेट ऑडियंस है क्या और आपने किन को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है। ठीक है, आप उनको क्या बताना चाह रहे हो, किस तरह से बताओगे, ये सारी चीज़ें आप इधर ना सिलेक्ट करते हो कि कौन लोग हैं, आप उनके साथ किस तरह का कम्युनिकेशन रखना है। ये आपको तभी पता चलेगा कि आप जब अपनी टारगेट ऑडियंस को सिलेक्ट कर लोगे तभी आपको पता चलेगा कि आपने किसको किस तरह से अपना जो भी मैसेज है वो पहुँचाना है थ्रू एडवर्टाइजमेंट। इसके अलावा एक और चीज़ ये भी आ जाएगी कि आपने किस तरह से कहना है, कब कहना है और किस तरह की मतलब प्रमोशनल टेक्निक यूज़ करते हुए उनको टारगेट करना है। सेकेंड है डिटरमाइनिंग द कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स, आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप ये देखोगे कि जो आपका बायर है वो कौन सी स्टेज पे है रेडीनेस की, कि अगर आपका एक प्रोडक्ट है वो भी नया बन के आया है तो वो पहले अवेयरनेस स्टेज पे होगा। ठीक है, ये स्टेज है, यहाँ पे अवेयरनेस है, नॉलेज है, लाइकिंग है, प्रेफरेंस है, कन्विक्शन है और लास्ट है परचेज। जो भी आपका प्रोडक्ट है आपने ये देखना होगा कि वो किस स्टेज पे है, उसके अकॉर्डिंगली आप डिसीजन लोगे। ठीक है, डिसीजन ये लोगे कि आपने कस्टमर को किस तरह से अपने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अट्रैक्ट करना है और उसको वो मैसेज पहुंचाना है जो भी आपका प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है। अगर आपका कस्टमर अवेयरनेस स्टेज पे है तो सबसे पहले आपको ये बताना होगा कि आपका प्रोडक्ट है क्या, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, वो क्या चीज़ें ऑफ़र कर रहा है, किस तरह के उसके फ़ीचर्स हैं, किस तरह की उसकी वैरायटीज़ हैं। इसके बाद सेकेंड स्टेज आती है नॉलेज की, कि कस्टमर को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता है, ठीक है, लेकिन उसके बारे में वो और इन्फॉर्मेशन चाहता है तो वो इस स्टेज पर लाया करता है। थर्ड पे आती है कि जब उसके पास इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है, अवेयरनेस भी आ जाती है, तो वो लाइकिंग स्टेज पर हो जाता है कि उसको आपका प्रोडक्ट जो है वो पसंद आने लगता है। इसके बाद है प्रेफरेंस, इस स्टेज पे कस्टमर आपके प्रोडक्ट को प्रेफरेंस देना स्टार्ट कर देता है और आपके प्रोडक्ट को बहुत कह लो प्रायोरिटी देना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद आता है कन्विक्शन, यहाँ पे आपका जो भी कस्टमर होता है या जो भी ऑडियंस होती है वो आपके प्रोडक्ट के साथ कन्विंस हो जाती है और लास्टली वो क्या करती है, वो परचेज़ कर लेती है प्रोडक्ट। यहाँ पे इन्होंने यही बात बताई हुई है, ये रेडीनेस कस्टमर रेडीनेस स्टेज की डेफिनेशन आप लोग पढ़ लेना। इसके अलावा ये प्रोसेस था, यहाँ पे इन्होंने वही डेफिनेशन बताई हुई है कि इन स्टेजेस पे वो कहाँ पे लाया करेगा। नेक्स्ट पेज पे है डिज़ाइनिंग अ मैसेज, ये होगा थर्ड आपका पॉइंट, थर्ड स्टेज। यहाँ पे क्या होगा कि आपने एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाना होगा कि आपका मैसेज क्या क्या चीज़ें मतलब ऐसे कौन से फैक्टर्स हों जिनकी वजह से आपका मैसेज जो है लोगों को अट्रैक्ट करें। यहाँ पे मार्केटर्स यूज़ करते हैं एडा फ्रेमवर्क या एडा मॉडल। इसका मतलब ये होता है ए स्टैंड्स फॉर अटेंशन, गेट अटेंशन, आई स्टैंड्स फॉर होल्ड इंटरेस्ट, डी स्टैंड फॉर अराउज डिज़ायर एंड ए स्टैंड्स फॉर ऑब्टेन एक्शन। इसका मतलब ये है कि आपके मैसेज में ये सारे फैक्टर्स होने चाहिए, ये सारे फीचर्स होने चाहिए, तभी कस्टमर जो है अटेंशन सीक करेगा, अपना इंटरेस्ट शो करेगा, डिज़ायर शो करेगा, उसके बाद एक्शन उसका ये होगा कि वो आपके प्रोडक्ट को परचेज़ कर लेगा। अब यहाँ पे तीन चीज़ें आ जाती हैं कि जब भी आपने मैसेज डिज़ाइन करना है तो वो कौन कौन सी तीन चीज़ें आपने कंसीडर करनी है। नंबर वन है मैसेज कंटेंट, नंबर टू है मैसेज स्ट्रक्चर और नंबर थ्री है मैसेज फॉर्मेट। ठीक है, आपने ये देखनी है, ये तीन चीज़ें जो हैं मैसेज को डिज़ाइन करते हुए देखनी होगी। नंबर वन मैसेज कंटेंट, आपने किस तरह से कस्टमर को अपना मैसेज पहुंचाना है। कंटेंट में ये होगा कि आप क्या चीज़ बताना चाह रहे हो, या तो आप प्रोडक्ट के बारे में बता रहे होगे या आप उसके फ़ीचर्स बता रहे होगे या आप उसकी वैरायटी बता रहे होगे। अब इसमें भी मेजर थ्री टाइप्स आ जाती हैं, वो है रैशनल, इमोशनल या मॉरल। ये टेक्निक्स हैं कि आपने रैशनल होके बताना है, इमोशनल होके बताना है या मॉरल होके बताना है उस मैसेज में
आपने किस तरह का, मतलब कहते हैं ना एक फ़्लो किस तरह का रखना है। अगर तो रैशनल है तो उसमें सिंपल ये होगा कि कस्टमर को आप ऑडियंस को उनका इंटरेस्ट बता रहे होगे कि प्रोडक्ट है क्या, उसके फ़ायदे क्या क्या हैं। जैसे फेयर लवली है, वो बता रही होती है कि वो आपको फेयर बनाएगी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ये रैशनल एक कर लो कि मैसेज में रैशनल एक बात थी। इसके बाद आ जाता है सेकंड वन, विच इज़ इमोशनल। इमोशनल एड्स बेसिकली होते हैं इस तरह के एड्स हैं जिसमें से वो इमोशनल मैसेज कन्वे कर रहे हो। जस्ट लाइक आप लोग ने देखा होगा कोई सोशल मैसेज होता है या कोई ऐसा मैसेज होता है जो आपको इमोशनली हिट करता है। आप लोग ने शायद देखा हो नेशनल बिरयानी का, शान बिरयानी का एक ऐड आया था रिसेंटली, उसमें उन्होंने एक इमोशनली लोगों को ना अट्रैक्ट करने की कोशिश की, प्लस एक सोशल मैसेज भी दिया साथ के जो खाना आप लोग वेस्ट करते हैं आपको वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इस चीज़ खा भी नहीं सकते उन चीज़ों को, ठीक है। तो इस तरह के एड्स जो होते हैं वो इमोशनली लोगों को अट्रैक्ट करते हैं टूवर्ड्स आपके प्रोडक्ट की तरफ, और मैसेज भी आपका यही सारी चीज़ें कंटेन करता है। इसके बाद आ जाते हैं मोरल अपील्स। इसमें भी वही चीज़ें आ जाएंगी कि आप किसी को अच्छी चीज़ बता रहे हो या कोई डिसएडवांटेज होता है वो बताएं, सेफ ड्राइविंग पे आप उन्हें बता रहे हो, या एनवायरनमेंट को क्लियर करने के लिए जो मैसेज आ जाते हैं वो आप अपने एडवर्टाइजमेंट में शो कर रहे होते हो। इसके बाद आता है सोशल अपील्स। इसमें ये होगा कि आप उनको ऑडियंस को सोशली कोई ना कोई मैसेज पहुँचा रहे हो। आप लोगों ने देखा होगा कभी कोई किसी भी दवाई का ऐड आता है तो लिखा आता है पब्लिक सर्विस मैसेज बाय दिस एंड दैट, दवाई का नाम। अभी कोरोना के एड्स आ रहे हैं वो सारे सोशल अपील्स हैं कि एडवर्टाइजमेंट के थ्रू एजुकेट करना चाह रहे हैं। लास्ट वन पॉइंट इसका लास्ट मैसेज स्ट्रक्चर है, नेक्स्ट वन है, और इसमें यही बताया हुआ है कि आपके मैसेज का स्ट्रक्चर किस तरह होना चाहिए। मार्केटर्स को ये तीन चीज़ें किस तरह से हैंडल करनी है अपने स्ट्रक्चर में। फर्स्ट है कि उन्होंने एक कंक्लूजन देना है ऑडियंस को कि उनका प्रोडक्ट ये चीज़ें देता है, या कोई कंक्लूजन दे रहे हैं, कोई बिहेवियर फैक्टर बता रहे हैं, या अपने उनके प्रोडक्ट के बारे में कोई चीज़ बता रहे हैं। तो मार्केटर्स को ये देखना होगा कि उन्होंने स्ट्रक्चर किस तरह बताना है, या तो स्टार्ट ही वो प्रोडक्ट की फ़ीचर से कर दें और लास्टली उसकी बेनिफिट्स बता दें, या फिर वो क्या करें कि वो अगर कोई सोशल मैसेज वगैरह कन्वे कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली उस मैसेज को स्टार्ट किस तरह से करने है, देन उस एड उस मैसेज को ख़त्म किस तरह से करने है, ठीक है। देखो एडवर्टाइजमेंट है ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट का होता है, तो उसी के अंदर वो सारा मैसेज कन्वे होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद होना चाहिए कि इन्होंने किस तरह की चीज़ें जो हैं मैंशन करनी है एड में, क्या प्रोडक्ट की सिर्फ स्ट्रेंथ बता देनी है या कोई और चीज़ें भी बता देनी है, या हो सकता है कि अगर आप सिर्फ बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें ही मैसेज में आप डाल दो कि प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट, तब भी ज़्यादातर लोग अट्रैक्ट नहीं होते हैं। अगर उन्हें कोई न्यू चीज़ दिखती है तभी वो आपके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लास्ट वन है मैसेज फॉर्मेट। यहाँ पे बात आ जाएगी कि आपने किस तरह का फॉर्मेट यूज़ करना है, आपने किस तरह का कलर साइज़ और जो इमेजिनेशन या विजुअलेशन होती है वो किस तरह की रखनी है, ठीक है। इसके अलावा विजुअलाइजेशन किस तरह की रखनी है, इसके अलावा ये होता है कि आपने देखो इसमें चीज़ ये आ जाएगी कि आपने किन लोगों को ना कौन से कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करने हैं, कौन सी मतलब बैकग्राउंड किस तरह का हो, जगह कौन सी हो, हेडलाइंस क्या हो, फॉर्मेट किस तरह का हो, और साउंड किस तरह का हो आपके ऐड का, पॉपिंग हो, रॉक हो, थोड़ा स्लो हो, अगर तो कोई सीरियस या इमोशनल ऐड होगा उस पर स्लो म्यूज़िक होगा, अगर कोई बहुत ज़्यादा जैसे आप लोग ने देखे होंगे जैसे एडवर्टाइजमेंट होते हैं नॉर्मली वैसे होंगे, तो ये सारी चीज़ें भी आप अपने मैसेज फॉर्मेट में देखते हो, ठीक है।